किसके थे, लाखों रुपए मिले हैं और कहते हैं कि बीजेपी नेता की उधारी है। हाँ तो या तो देखो रूलिंग पार्टी का होएगा या लोकदल का होएगा, इन दो का ही हो सकता है क्योंकि इनका पहले दिन से ही चल रहा है ना। इलेक्शनों में नॉर्मली पैसे की खर्ची काफी होती है और इस बार सुना है कि कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो रहे हैं। जिसकी कैपेसिटी है वही करेगा, जिसने कमा रखा है वही करेगा, इतना किसने कमाया। ये आम लोगों में चर्चा थी, ये काम करना तो देखो इलेक्शन कमीशन का और प्रशासन का है। किसानों का कितना प्रभाव रहेगा वहाँ पे चुनाव में? देखो किसान तो, किसान एक हम ऐसे कैटेगरी नहीं बना सकते क्योंकि देहात में या मंडियों में भी सभी लोग किसानी से प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके अलावा सब नागरिक भी हैं और सब अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मुद्दे हैं जो मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं सबके जनजीवन को, तो लोग किस मुद्दे को कितना समझकर अहमियत देकर उसमें वोट का जब फैसला करें तो किस बात से प्रभावित होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। किसानों का मुद्दा कंट्रोवर्सी में चल रहा है और इसको लेकर के काफी लोग समर्थन भी कर रहे हैं। अभय चौटाला ने भी किसानों के हक के अंदर इस्तीफा दिया, राकेश टिकैत ने भी उन्हीं के समर्थन के अंदर वोट मांगे। क्या लगता है कि कांग्रेस के कितने वोट इस वजह से कट जाएंगे? देखो हम इस चीज में विश्वास नहीं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही किसानों के हक में खड़ी है, बल्कि किसानों का आंदोलन भी उसके बाद में शुरू हुआ। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर यात्रा की थी और कांग्रेस ने स्टैंड लिया था कि ये तीनों कानून ठीक नहीं है कृषि क्षेत्र के लिए। और उसके बाद आपने देखा अब लोकदल ने और अभय सिंह जी ने जिस तरह की राजनीति की, वो लोगों के सामने एक्सपोज हो रही है कि आपने मुद्दा क्या लिया जिसके चलते आपने रिजाइन किया और फिर चुनाव में फिर से आप चुनाव लड़ने लगे, क्योंकि किसानों का कोई भी मुद्दा अभी उसका हल नहीं निकला है। तो क्यों इस्तीफा दिया और क्यों दोबारा मैदान में आए, ये तो उनको ही लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आमतौर पे लोगों में थोड़ा सा ये चिंता रहती है कि इस बार जो टिकट बांटी है कांग्रेस पार्टी ने उसके अंदर कुछ थोड़ा सा भेदभाव हुआ है कि पुराने उनको नहीं टिकट दी। देखो भेदभाव की बात नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी समय पर फैसला लेती है और उसके कई इनपुट्स लेकर करते हैं, तो ये तो हमारे सबके साथ हुआ है कि कभी किसी को टिकट मिलती है कभी किसी को नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि टिकट मिले तो कांग्रेस ही और टिकट नहीं मिले तो नहीं कांग्रेस ही, ये तो हो नहीं सकता है। जो भी हमारी जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं या जो लोगों में हमारी पहचान है वो कांग्रेस के कारण, कांग्रेस व्यक्ति के कारण नहीं हो सकती, लेकिन व्यक्ति कांग्रेस के कारण हैं। चुनावों के बाद कांग्रेस का क्या नया रहेगा? चुनाव तो देखो एक बाय इलेक्शन आया है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना हमारा परसों से मेंबरशिप शुरू हो रही है कांग्रेस पार्टी के सारे देश में, तो सदस्यता अभियान 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं और उसके अलावा जो हमारा एक इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमारा कार्य चलता रहता है वो हमारा राजनीतिक कार्यक्रम अब आगे चलेगा। पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कच्चे तेल के दाम इतने हैं? ये तो मैडम पहले से ही हम कह रहे हैं और दुनिया देख रही है, यूपीए के समय में कच्चे तेल का भाव तो $140 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन हमने इसको ज्यादा नहीं बढ़ने दिया, हमने आम नागरिक को उस अंतर्राष्ट्रीय बढ़ती हुई कीमत से बचा कर रखा ताकि आम लोगों पर बोझ ना बने, आम लोगों पर बोझ ना बने। लेकिन आज के दिन आप समझ सकते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय उससे आधा है उस समय से आधा, लेकिन आपने ऑलरेडी डबल कर दिया है रेट पेट्रोल डीजल का और निरंतर बढ़ा रहे हैं,
ये भी नहीं है कि उस पर रोक लगा रहे हैं, निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो इसका फायदा आप किसको दे रहे हैं? आम नागरिक को तो आपने दबा दिया, और केवल आम नागरिक नहीं, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, सारी हमारी इकोनॉमी खराब होती है, और उसका आप नतीजा भी देख रहे हैं, चाहे जो सेंसेक्स गिर रहा है, चाहे और भी आम नागरिक के ऊपर दबाव आ रहा है। आम एक आदमी, एक गृहिणी अपना घर चलाने में आज कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो ये इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार पर जाती है, क्योंकि सरकार आम नागरिक को इससे बचा नहीं रही है, बल्कि बड़ी कंपनियों का मुनाफा कैसे हो उस पर इनका ज्यादा ध्यान है। खबरें ये भी है कि न्यूज एजेंसी ANI ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के ऊपर अपडेट्स देना बंद कर दिया है, क्या लगता है इसके अंदर सरकार का दबाव है? आप देख ही रहे हैं, तानाशाह सरकार है, ताकि लोगों से असलियत छिपा सके, लेकिन कैसे असलियत छिपेगी जब आम नागरिक के जेब पर आप डाका डाल रहे हैं? ये तो दबाव की राजनीति। हम पहले कहते हैं कि मीडिया को ये जिस तरह से कंट्रोल करते हैं और जैसे दबाया जाता है, देश के सामने निष्पक्ष बात ये आने नहीं देना चाहते। संगठन के चुनावों के बारे में, संगठन के चुनाव हमारे घोषित हो गए हैं, और जैसा मैंने कहा 1 नवंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत है। ये ऑनलाइन भी होगा और जो फॉर्म्स होते हैं भरने वाले वो भी। थैंक यू।